प्रणाम, नमस्ते एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्त। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही झकास ट्रेडिंग किए होंगे आज। जिन दोस्तों ने आज डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग किया होगा उन्हें तो प्रॉफिट हुई होगी। जो दोस्त इनडिसिप्लिन हुए होंगे करके ट्रेडिंग किए होंगे वो तो डेफिनेटली लॉस लिए होंगे। पर दोस्त मेरे तरफ से विश यही है कि आप लोग डिसिप्लिन होकर काम करें, प्रॉफिट करें, नो लॉस, राइट। तो दोस्त मैं आज बात करूंगा मैंने आज कैसे प्रॉफिट कमाया। 3 टाइम्स मैंने ट्रेड लिया, 3 टाइम्स ही प्रॉफिट किया। और आज मैं बताऊंगा दोस्त उसके अलावा कि कल की अपना प्लानिंग क्या हो सकती है और कल का मेरा मार्केट का व्यू क्या है, राइट। सो दो दोस्त दो पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे। सो चलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ मैं पढ़ता हूँ दोस्त। मैंने आज 3 ट्रेड किया। 3 ट्रेड में दोस्त मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ पहले अपना प्रॉफिट। दोस्त मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप लोग कहेंगे गणपत मिश्रा बहुत ही ज़्यादा धासु अपना थंबनेल लगाता है, राइट, और बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, बट प्रॉफिट के नाम पर यार ही इज नॉट एज बिग प्लेयर एज एनी अदर कैन बी, है ना। बट एक बात बोलूँ, हमें कोई अपमान फील नहीं होता है, मुझे अपने आप पर गर्व फील होता है। क्यों? क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरा ब्रेन का कमाई है, मेरी स्ट्रेटजी की कमाई है, राइट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्त मैं नया हूँ, राइट, पर मुझे अपने को रेडी करना है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट सैनिकों को ट्रेनिंग देती है, राइट, स्किल्ड फुल बनाती है ताकि वो फुल ट्रेंड होकर के बॉर्डर पे जाएं, एनिमी उनके सामने आए, उनको एकदम धड़ाधड़ करके उड़ा दे, है ना। वैसे ही मेरा भी स्ट्रेटजी दोस्त रेडी हो रही है, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंट अपना उस पर बनाना है, मैं अपना कॉन्फिडेंट को बिल्ड करूँगा, उसके बाद मैं दोस्त अपना लॉट साइज बढ़ाऊँगा। और यही प्रॉफिट जो 1000 आपको दिखा रहा है, 1011 दोस्त, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी नहीं, मुझे इसी से कमाना है, इसी इसी मार्केट से हमें कमाना है, घर से पैसा नहीं लगाना है दोस्त, इसी मार्केट से कमाना है और इसी इसी पैसे को मार्केट में हमको लगाना है ना। ये देखिए बहुत कम नॉमिनल है लेकिन दोस्त ये इंट्राडे है ना, इंट्राडे है। इसमें आपको एंट्री भी बहुत जल्दी करनी होती है और एग्जिट भी आपको उतना जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो आप सोचेंगे कि एंट्री करके करके बैठे रहे, आज ही हम अंबानी बन जाए, है ना। तो दोस्त अंबानी की जगह पर आपको फकीर बना देगा। जो लेके आया है, जो कमाया है वो भी जाएगा, और जो आपका कैपिटल रखा हुआ है वो भी जाएगा, है ना। तो आपको उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि एंट्री, और एंट्री करना उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जिट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने दोस्त क्या किया, कैसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को समझा करके, बता करके, दिखा करके फील होता है कि कैसे होता है, कैसे एक आदमी कंटिन्यू प्रॉफिट करता है। हमको सस्टेन के ऊपर में हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। हमको 100 रुपया मिले, 500 रुपया मिले, 200 रुपया मिले, हमको उसमें कोई बेइज्जती फील नहीं होती है दोस्त। हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, हमको मार्केट से रोज कमाना है, लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, बस मेरा ये चीज़ टारगेट है। आइए स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। मैं बताता हूँ आपको कि मैं प्राइस एक्शन एज वेल एज सपोर्ट रेसिस्टेंस को देख करके काम नहीं करता हूँ, मैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी में काम करता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरा CPR जो सबसे फेमस ये है इंडिकेटर है। उसके अलावा मैं दो और लगाया हूँ जो मैं बताऊंगा आप लोगों का, अगर कमेंट अच्छा आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन सी, आई एम सॉरी, कौन कौन से इंडिकेटर दोनों है, राइट। मैंने दोस्त आज दो तीन कॉल लिया। मैंने एक दोस्त लिया पी साइड में लिया, एक यहाँ पर सी साइड में लिया, एक अगेन पी साइड में लिया, है ना। तो मुझे अपना देखिए सेटअप मेरा बन रहा है दोस्त, यहाँ भी सेटअप मेरा बना, यहाँ भी बना और यहाँ भी बना। मुझे कॉल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरा सेटअप बनता है तो मैं 9:15 से बैठ जाता हूँ, 3:30 तक बैठा रहता हूँ, बैठूंगा। मुझे अपना शिकार के लिए वेट करना है, कब वो मेरा नज़दीक आ रहा है तब मैं फायर करूंगा, कहीं भी फायर नहीं कर दूंगा, बट गोली बर्बाद होगी यार, बुलेट बर्बाद होगा, आपका फायदा क्या होगा, है ना। चलिए मैं आपको बता दिया मेरा स्ट्रेटजी मैं कैसे लिया। स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरा आप ओल्ड वीडियोस देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं काम करता हूँ। मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाया कि मेरा क्यों लिया, यहाँ पर, यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ पर क्यों लिया, क्यों लिया। अगर आप लोग प्रीवियस मेरा जो वीडियोज़ देखेंगे आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मैं सिर्फ आपको बताया कि मैं कैसे किया, राइट। अब दोस्त
आपको मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम में बताना कल का मार्केट क्या हो सकता है, कैसे कल का डेट में अपने ट्रेडिंग करें, है ना। चलिए कल का प्लानिंग है दोस्त, इमीडिएट पर डिलीट कर देता हूँ वापस आपको। एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्त, आप जब भी कभी मार्केट का आप स्टडी करें, मार्केट के ऊपर में आप काम करते हैं, आप नए हो या पुराने हो, कभी भी पहले हायर फ्रेम देखिए। मैं यहाँ 1 आवर चार्ट का नहीं, 1 आवर का, 1 आवर का मैं चार्ट निकाला हूँ। मैं 1 आवर में, 1 आवर में मैं पहले स्टडी करता हूँ, उसके हिसाब से मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में ऑलवेज आपको मार्केट की स्टडी करना है दोस्त। ये देखिए, ये हायर टाइम फ्रेम में, ये यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस बन रहा है ना, आप देख रहे होंगे। ये इस जगह पर मार्केट आपका आ रहा है, इस जगह पर मार्केट आता है, इस जगह पे आता है, यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है ना। ये बहुत ही बड़ा एक रेसिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है ये ट्रेंड लाइन, है ना। ये बहुत ही वाइटल ट्रेंड लाइन होने वाला है आगे चल करके, राइट। मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है कि आपको एक सपोर्ट में ड्रॉ करता हूँ मेरा। देखिए ये जो जगह है ना, ये दोस्त जो है, ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर, आप पीछे करके आप अगर इसको स्टडी करें, देखिए इस ये जगह, ये मार्केट पहले इसको ओपन होके आया, फिर लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहीं से मार्केट डाउन आ गया। डाउन कितना है दोस्त इस डेट में, देखें आप मार्केट यहाँ डाउन होकर कितना आ गया, अप्रॉक्स 1100 पॉइंट नीचे आया है। आप अगर देखें यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से ये अप्रॉक्स 1100 1400 पॉइंट डाउन आ गया, 1424 पॉइंट, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहीं से मार्केट धड़ाधड़ ऊपर चला गया, है ना, राइट। यहाँ पर देखिए मार्केट आया, यहाँ से फिर पुल बैक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से डाउन आ गया। यहाँ से डाउन आया दोस्तों, कहाँ कितना चला गया डाउन, अब देखें यहाँ से डाउन आया तो यहाँ से भी करीब 1228 पॉइंट, राइट। तो ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन है दोस्त, ये बहुत ही अपने आप में इसके हिसाब से काम कर रही है, आपको सपोर्ट के हिसाब से काम कर रही है। 1 मिनट दोस्त, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। हाँ तो मैं आपको ये चीज बताया कि ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना। अब देखिएगा ये, देखिए मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहीं से मार्केट फिर क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर के अपना ऊपर की तरफ में चला जा रहा है ना। ये देखिए मार्केट इस जगह पे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर कुछ कैंडल्स कंसोलिडेट की, यहाँ सपोर्ट करके मार्केट ऊपर चला गया, राइट। मेरा कल का प्लानिंग क्या होगा दोस्त, मैं बताऊं, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, इस एरिया में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद दोस्त इसी लाइन को, कौन सी लाइन है आपको मैं बता दूं, एक मिनट दोस्त, राइट। इस लाइन को अगर दोस्त यहां पर ये मार्केट आया, आने के बाद मार्केट मान लीजिए नीचे आया, कैंडल्स आई, कैंडल आने के बाद फिर इसको सब रेजिस्टेंस फील करेगा, क्योंकि ये वो अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है ना। यहां से मार्केट अगर दोस्त नीचे फिर वापस आता है यहां से, तो ये कहां तक आएगा आपका, आराम से आपको ये टारगेट दे सकता है 40,500 का, इजीली देगा आपको टारगेट, ये टारगेट आपको इजीली मिलेगा दोस्त 40,500। क्यों मैं बोला आपको, क्योंकि अगर देखें, ये देखने में दोस्त आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ कितने पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ से अगर दोस्त अगर रिजेक्शन लेता है कैंडल, 5,000 करीब आपका 295 पॉइंट्स मार्केट आपको यहाँ पर पहुँच दे सकता है, देखने में वो छोटा लग रहा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है, और यहाँ इसका नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। और फर्दर दोस्त अगर इस लाइन को यहाँ पर ये ब्रेक करता है, इस लाइन को अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, इसको किसको, 5,500 को, 40,500 को नेक्स्ट टारगेट आपको मिलने वाला है 40,000 का, 100
110%, 40,000 का नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन विल अट्रैक्ट एज अ मैग्नेट, इस कैंडल को यहाँ बुलाएंगे, जितने आपका सेलर्स होंगे यहाँ पर एकदम अट्रैक्ट होंगे कहाँ पर जाने के लिए, 40,000 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ने यहाँ पर बाय ऑर्डर को लगाया होगा, इसका एसएल खाएगा, फिर यहीं से मार्केट क्या कह रहेगा, जंप बैक करेगा, बाउंस बैक करके फिर वापस आ जाएगा। तो ये अपना कल का व्यू रहेगा दोस्त, आशा करते हैं आप लोग को मेरा ये कल का मार्केट का व्यू क्लियर हुआ होगा, और इसके हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग करेंगे। दोस्तों डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज जो आप पैसा लेके आए हैं वो आपको आँख के सामने से पैसा ज़ीरो होते हुए समय नहीं लगेगा, और मुझे बहुत दुख होगा दोस्त, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, खुद में सीखता हूँ दोस्त, फिर मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिना सीखे आपको ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। सो दोस्त जो नए यूट्यूबर्स हों, जो नए सब्सक्राइबर बनने वाले हों दोस्त, आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं दोस्त तो आप लोगों को पहले मिले, है ना। और आप लोग जिस तरह से हमको प्यार दे रहे हैं, आप लोगों को जो लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं दोस्त, मैं और भी मोटिवेट हो जा रहा हूं ताकि अच्छे से कंटेंट लेकर के लिए आपको आप लेके आप लोग के लिए लेकर के आऊँ और आप लोग को एडुकेट करूँ दोस्त। ये कम्युनिटी ऐसी है कि मुझे हेल्प करके इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी लॉस करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑलवेज विन करता हूँ, बट जिस दिन लॉस होता है दोस्त उस दिन मैं ये सोचता हूँ कि चलिए दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन हमको ना विनिंग रेशियो हमको बढ़ाना है, तो हमको वो अच्छा लगता है कि मैं स्टडी सीखता हूँ फिर सिखाता हूँ। और आप लोग भी दोस्त डिसिप्लिन होकर काम करें, कहीं भी एंट्री कहीं भी एग्जिट ना करें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मार्केट से, लास्ट में आपको मार्केट पूरा पैसा ले लेगा, आपको मार्केट से विरक्ति हो जाएगी, आपको मार्केट खराब होने लगेगा, आप कहेंगे कि ये गैम्बल है ना, बट मार्केट गैम्बल नहीं है, आपको डिसिप्लिन से काम करना है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज से आपको काम करना है, कोई भी एक स्ट्रैटेजी में काम करिए, 10 स्ट्रैटेजी करेंगे आपको कोई स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो बोलेंगे कि नहीं जी स्ट्रैटेजी नहीं चला, आप दूसरा में जाएंगे वो भी फेल होगा, तीसरा में जाएंगे वो भी फेल होगा, हर एक स्ट्रैटेजी में कम से कम आप 100 कॉल लीजिए, फिर उसको टेस्ट करिए कि मेरी विनिंग रेशियो कितनी है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, मेरा लेक्चर सुनने के लिए। सो थैंक यू अगेन, गुड इवनिंग दोस्त, जय हिंद।